Hello friends, good morning. Welcome back to my channel Madhumita's Real Life. आज actually rainy day है. नहीं, rainy day मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कुछ देर के लिए बारिश हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बारिश हो रहा है, फिर रुक रहा है, ऐसा ही हो रहा है. मतलब आप rainy day भी कह सकते हो, लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारा काम है जो हम लोग को करना पड़ता है. तो आज वैसा ही दिन है, हम लोग थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. आप लोग देख पा रहे हो वो दोनों कौन है? जी हाँ, पुष्कर और उसका डैडी. पुष्कर को एक्चुअली स्विमिंग सिखा रहा है. हम लोग के घर के पास जो पॉन्ड है, वही पॉन्ड में पुष्कर स्विमिंग सीख रहा है. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. और बहुत दिनों के बाद मैं एक्चुअली ब्लॉग बना रही हूँ. और अभी बज रहा है 11 o'clock. आप देख सकते हो कि नहीं, अभी 11 o'clock है, बज रहा है. और मैं अभी भी इंडिया में हूँ और कुछ ही दिन में मैं वापस चली जाऊँगी. तो यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, बहुत सारा काम और टाइम भी नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ या कुछ दिखाऊँ आप लोगों को. बहुत ही, मतलब जो हम लोग का जो शेड्यूल है बहुत ही बहुत बिजी है. तो इसलिए मैं एक बार भी, मतलब कोशिश करके भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. और बाहर, इतना बाहर जा रही हूँ और कोलकाता की जो, मतलब बाहर आउटसाइड है, उधर ब्लॉग बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है. मतलब आप कहीं भी जाओ, शॉपिंग करने के लिए जाओ या कहीं भी जाओ, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना क्राउड है, मतलब करना बहुत मुश्किल है. फिर भी मैं कोशिश में इसके बीच, इन दिनों के बीच मैं दो दिन तीन दिन गई थी शॉपिंग करने के लिए. और आज भी मैं जा रही हूँ थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए. पुष्कर को लेके जा रही हूँ क्योंकि पुष्कर के लिए मैंने खुद, पुष्कर को लेकर नहीं गई मैं जब शॉपिंग करने के लिए, पुष्कर की शॉपिंग करने के लिए जब गई थी तब मैं उसको लेकर नहीं गई थी. लेकिन आज उसका शू लेना है तो इसके लिए उसको तो जाना ही पड़ेगा. तो वही जा रही हूँ. हम लोग कोलकाता के जो बहुत बड़ा शोरूम है स्टील लेदर्स, वहाँ जा रही हूँ. वहाँ जाके उसके लिए शू लेना है, हम लोगों के लिए भी लेना है. कोई आया है लगता है, तो इसलिए तैयार हो रही हूँ. और इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब तैयार, मतलब बस चेंज, ड्रेस चेंज कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही करके निकल रही हूँ. मतलब यहाँ तैयार होके, मतलब क्या, हाँ बीच बीच में इतना बारिश हो रहा है. ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर बहुत बारिश था लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश नहीं है. लेकिन बीच बीच में कभी कभी हो रहा है, फिर सूरज निकल रहा है, फिर से हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है वेदर जो है यहाँ का. और आज है वेडनेसडे और आज डेट है 25th of July. तो इसलिए बहुत दिन हो गया और हम लोग 3rd August को यहाँ से चले जाएंगे वापस. तो और कुछ ही दिन बाकी है, 1 week बाकी है. तो इसके बीच जितना हो सके हम लोग कोशिश कर रहे करने की, जितना काम हम लोग का है उतना कंप्लीट कर रहे हैं. कि वही पार्सल इश्यू, আচ্ছা যাচ্ছেন কোনটা এসছে জিজ্ঞেস করো তো, মানে আচ্ছা যাচ্ছি. তো মেয়ে আবি যা রি শপিং করলে জিতনা হো সকে মে করি আপনি সাথ আপকো শেয়ার করি কোশিশ করি. বহু বহুই মুশকিল হ্যাঁ কলকাতা কি রাস্তা মে ইতনা ধক্কম ধক্কা হতা হ্যাঁ ব্লগ বনানা বহু মুশকিল হতা হ্যাঁ. তো মে যাতে যাতে আপসে আপনি সাথ জিতনা হো সকে শেয়ার করি. Thank you.
ठीक है मैं अभी कोलकाता मेट्रो में हूँ और मैं अपना फेस का हालत देख रही हूँ फ़ोन पर, क्योंकि बिल्कुल डल लग रहा है, बहुत टायर्ड भी फील हो रहा है, तो मैं अपनी फेस को देख रही हूँ फ़ोन पर, मैं देख रही हूँ अपनी फेस को, कितना ख़राब हो गया है मेरा फेस, यही मैं देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मतलब अभी अभी हम लोग लौटे हैं और अभी बज रहा है 10:25, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, अभी तक खाना भी नहीं खाया, अभी आया क्योंकि ये ब्लॉग को ख़त्म भी करना है, एंड भी करना है, तो इसलिए मैं आई। और आज मतलब बारिश भी है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, वेदर जो है थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो सारा दिन मतलब कोलकाता में घूम के मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो अभी हम लोग का डिनर का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को बाय कर दूं, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और आगे मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ मैं किस तरह से टाइम निकल पाती हूँ या दूसरा कोई ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत टफ शेड्यूल है यहाँ, मतलब हम लोग घर से निकल रहे हैं मॉर्निंग में और रात को घर आ रहे हैं, और कोलकाता में एक बात है कि यहाँ मतलब ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, मतलब कैमरा लेके मैं बाहर कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कभी कभी बारिश आ रहा है और कोई भी मार्केट जा रही हूँ या मॉल जा रही हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ है, तो मतलब इतना धक्कम धक्की हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है करना, फिर भी कोशिश तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ही मुझे अपना ब्लॉग ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इससे आगे तो मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई।